हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर एएफसी एशिया कप का मैच हो रहा है। आज मैचेस बहुत ज़बरदस्त हैं और आज तो भाई दिन ही जैकपॉट है। अभी मैंने तीन अपने मैच कवर किए थे क्रिकेट के। एक तो हार गया पहला मैच, उसके बाद दो मैच में कर दी इन्वेस्टमेंट और तीसरे में तो बहुत खतरनाक इन्वेस्ट कर दिया और सीधा भाई सब मैच जैकपॉट और मज़ा आ गया भाई दोनों मैचों में। अब देखते हैं फुटबॉल में क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, जब से मैंने क्रिकेट कवर करने शुरू किया ना तो हम हारते नहीं हैं। मतलब ओवरऑल अगर हमें फुटबॉल में लॉस हो रहा होता है ना तो हम लोग खेलना शुरू कर देते हैं उस दिन क्रिकेट, और जब क्रिकेट में हो रहा होता है दैन फुटबॉल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, क्योंकि इसमें क्या कि जैसे पहले आपको कई बार पूरे दिन लॉस हो जाता था तो आप मेरे को बोलते थे यार भाई आज का दिन लॉस का था, लेकिन अब ये कोई बोल नहीं सकता। ठीक है, अगर अभी भी कोई बोल रहा है तो भाई उसको फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के रिलेटेड। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, टीम आएगी ओपन, मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर टीम आपको क्लियरली ओपन आएगी, जो भी आएगी उसके पहले मैं आपको शेड्यूल डाल दूंगा, कन्फर्म कर दूंगा। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, ईरान और सीरिया, सबको पता है कौन जीतने वाला है, सबको पता है मेरे भाई। ईरान टीम के विनिंग चांसेस 80% है, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो लगातार अपने प्रीवियस तीन मैच में अच्छा प्रदर्शन करके आए, जबकि सीरिया ने अपने प्रीवियस तीन मैच में एक भी ढंग का प्रदर्शन नहीं किया। पूरे सीजन के अंदर तीन मैच के अंदर सिर्फ एक गोल लगाया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो चलते हैं आगे। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखो भाई पिछले मैच के अंदर जो मेरा कॉम्बिनेशन था ना, मैं तो खुद ही इंप्रेस हो गया वो कॉम्बिनेशन देख के। मतलब टीम मैंने बनाई है तब भी मैं इंप्रेस हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना कप्तान रख दिया पिछले मैच में एम तारेमी को, और मेहदी तारेमी ने कर दिए दो गोल। और मैंने अपना वाइस कैप्टन रख दिया एजमोन को, ये बंदा कर गया दो असिस्ट। तो मतलब क्या कॉम्बिनेशन था उस दिन, तो भगवान साथ थे भाई। मतलब जो गेम प्ले उस दिन चला था ना हमारा, अमेजिंग भाई। उसके बाद खैरबिन की बात करें, देखिए भाई खैरबिन ने प्रीवियस मैच के अंदर इंडिया के अगेंस्ट इसी बंदे ने गोल किया, बट एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर ये प्लेइंग 11 में दिखता है तो आँख बंद करके पिक कर लो, नहीं दिखता तो इसको ले लेना। सीरिया का एक प्लेयर है जिसका नाम है पैब्लो सबाग, ठीक है, फिर इसके साथ जाना, तब तक आप खैरबिन को लो। और मिडफील्डिंग सेक्शन की बात करें, देन जहान बख्श की बात करूँ तो जहान बख्श को मैं लेने नहीं वाला। प्रीवियस मैच के अंदर एक अच्छी बात ये थी कि ये खेला नहीं था, क्योंकि जहान बख्श एक मेरे को उतना वर्थी प्लेयर लगता नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि तू उससे सड़ता है, नहीं भाई, कभी भी बिना किसी प्लेयर से अपने काम में जो चीज़ होती है उससे सड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और मैं जहान बख्श को इसलिए नहीं लेता भाई, मेरे को परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। आप समझदार हो कि इस बंदे ने तीन मैच खेले हैं जिसमें दो में ये प्लेइंग 11 में था, ना उसने पहले मैच में कुछ किया ना सेकंड मैच में, सिर्फ एक असिस्ट की थी, उसका मैं क्या करूं? तो इसलिए मैं एम घईदी को लूंगा। इससे बढ़िया भाई आप ना इसको लो, एस घोडोस का गेम प्ले बहुत मैटर करता है, क्योंकि घोडोस ने ईरान की तरफ से जितने इंटरनेशनल मैचेज हुए हैं उसके अंदर असिस्ट करके अपना दम दिखाया है, और ऐसी बात नहीं है, हर बार दिखाया है, तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें तो ऑपोजिशन टीम के पास है ई हैम। तो हैम की यहाँ तक बात करूँ तो हैम इतना खास चल नहीं रहा, तो बट हैम की जगह ना मैंने रमादान की बात की थी, तो रमादान को मैंने लिया था, तो रमादान मेरे को बढ़िया लगा पिछले मैच में। उसके बाद ना पॉइंट माइनस का डर है, तो आप हैम को मजबूरी में ले लो, क्योंकि डिफेंडर लोगे फ़ायदा नहीं है, कल को एम्मा लजन के पॉइंट माइनस में चले गए ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पिछला मैच तो जीत गए थे ये लोग इंडिया से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने प्रदर्शन तो अच्छा किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने गोल उस दिन ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन मुझे लगता है ईरान करेगी इसीलिए। और यहाँ पर देंगे खालिल जदे को, जिसने फर्स्ट मैच के अंदर एज अ फोर्थ डिफेंडिंग की थी और अच्छा खेला। उसके बाद द नेक्स्ट प्लेयर वो जो कि हमारा हुसैन इनका मेन प्लेयर है। हुसैन तो मतलब कोई ले या ना ले, आपने लेना ही लेना है, इतना मेन है। उसके बाद आगे बात करें, एम मोहम्मदी मेरे एक बार काम आया था, क्योंकि एक ही मैच में खेला था अगेंस्ट हांगकॉन्ग। तो उसके बाद देखा जाए तो एस मोहरमी तो पिछले मैच में कोई दिक्कत हो गई थी, इसको इंजर्ड हो गया था ये, तो इसलिए अभी मैंने अपने यहाँ पे एक प्लेयर है एहसन हजसफ़ी के साथ जाऊँगा। बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर है मदानिया। तो मदानिया का प्रदर्शन इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि सीरिया टीम गोल कर तो सकती नहीं, लेकिन रोकने को सोचेंगे, दैट्स वाई। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारा मेहदी तारेमी, वाइस कप्तान है अजमोन। आप ये मत समझो कि अजमोन गोल नहीं कर सकता, कभी भी कर सकता है, तो तैयार ही रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।